सभी को जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो क्लिप को आप देखिए, इसमें एक नेता जो है वो भर्ती करवाने के लिए या रिटर्न करवाने के लिए पुरजोर से जो है मांग उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष के लोगों से। सत्ता पक्ष के नेताजी भी जवाब दे रहे हैं। ये वीडियो क्लिप देखिए, बाद में आपको बताता हूँ कि ये नेता लोग जो है हमें कितना एक तरह से चूतिया समझते हैं। अगर सुबह 4 बजे देखे माइनस डिग्री टेम्परेचर में भी यूथ आज भी इतना पसीना निकालता है सिर्फ सेना की भर्ती के लिए, अगर 50 डिग्री टेम्परेचर भी हो तो भी इतनी मेहनत करता है जिसको हद नहीं। मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि 12 नवंबर 2020 को भी मैंने पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र और राजस्थान में युवाओं के लिए सेना की खुली भर्ती की जाए। इस पर माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया और मेरे को आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द सेना की खुली भर्ती का आयोजन करवाता हूँ। माननीय मंत्री जी का मैं आदेश के आते मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला टोंक, सीकर और जयपुर में 8 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 2021 को सेना की खुली भर्ती का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लिया, जिसमें से लगभग 17,000 नौजवानों ने फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में परीक्षा पास कर ली। युवाओं की अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हुई। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि उनकी रिटर्न परीक्षा हो तो उनका कहीं ना कहीं नंबर आ जाए और वो सेना में भर्ती हो जाए। माननीय मंत्री जी जवाब दें। और जब 47 रैलीज कंडक्ट किया गया देश भर में, उसमें कोविड का सिचुएशन आ गई जुलाई के महीने में गंभीर रूप से, तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को रोक दिया गया है और ये परमानेंट रुका नहीं है सर, क्योंकि अभी भी कोविड का नया वेरिएंट का इस देश में प्रकोप है, तो इसमें कुछ इसको विलंब हो रहा है, वो कारण सबको मालूम है। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूँ इस सदन को कि जितना जल्दी हो सके रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटेन टेस्ट, डॉक्यूमेंट सब हो चुके हैं, बाकी जो फाइनल जो होगा वो फाइनल रिटेन टेस्ट जो होगा वो टेस्ट भी जल्दी होगा जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा। कि जिस हिसाब से भर्ती की बात कही है कि अभी कोविड में वाकई डिले है, लेकिन कोविड होने के नाते और बहुत सी भर्तियां चालू हैं, तो मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द वो रिटर्न टेस्ट कराए जाए ताकि वहां के बच्चों को मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद। पहले भी आश्वासन दिया, अभी सेना के अधिकारियों से, डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल सबसे बात करके ये जानकारी मैंने प्राप्त किया है, और जितना जल्दी हो सके ये जो रिक्रूटमेंट का हाफ वे में जो अधूरा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। मैं आश्वासन देना चाहता हूं माननीय सदस्य को। आपने ये वीडियो क्लिप देखी होगी, पक्ष और विपक्ष दोनों के सवाल जवाब भी सुने होंगे। दोनों ने बड़े ही प्यार से बात की, बेशक भर्तियां आप जल्द करवाने वाले हैं, मानते हैं ये बात, लेकिन आप जो है क्या युवाओं को चूतिया समझते हैं? आप इसमें कह रहे हैं कि कोविड की वजह से जो है रैली भर्तियां नहीं हो पा रही है, दूसरे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ महामारी की वजह से हमने देखा कि इसमें भर्तियां हो रही है, लेकिन अन्य भर्तियां हो रही है। अन्य भर्तियां क्यों यार, चुनावी रैलियां नहीं हो रही क्या? वो आपको दिखाई नहीं देता, या फिर हम जो हैं बेवकूफ लगते हैं आपको? आपने अगर एक बार पूछ लिया होता ना कि भाई फिर चुनावी जो रैलियां हो रही है तो भर्तियां भी हो सकती है। अरे चुनावी रैली में तो इतने लोग आते हैं जितने तो एक रैली भर्ती में आते ही नहीं। आप 5,000 को बुलाते हैं एक दिन में, वहां तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पता नहीं, तो क्या कोविड पूछकर आता है? इसका आप जवाब मांगिए नेताओं से कि वहां पार्लियामेंट में सवाल उठा कर तो पूरा उठाया करो, ठीक है? आधी अधूरी ज्ञान पेल के वाही वाही लूटने में कुछ नहीं रखा। एक कह रहा है कि महामारी की वजह से नहीं करवा रहे, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो भाई ये भी तो एक्सेप्ट करो। चुनावी रैलियों में नहीं आता क्या कोरोना, या सिर्फ रैली भर्तियों में ही आता है? इनको ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए। ये इन तक वीडियो पहुंचा दे तो अच्छी बात है। मेरे संसदीय क्षेत्र के ही है, ज्यादा दूर के नहीं है, बिल्कुल जस्ट पड़ोस में ही है जिन माननीयों ने ये आवाज उठाई है। अच्छी लगी उनकी बात, और ये सुन के भी अच्छा लगा कि जल्दी भर्तियां जो है वो होगी, जल्दी एग्जाम वगैरह होगी। लेकिन ये भी तो क्लियर करें चुनावी रैलियां क्यों हो रही है फिर। लव यू ऑल। जय हिंद जय भारत।